गरियाबंद पहुंचे नव पदस्थ आईजी आरिफ शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि गरियाबंद जिले को नक्सल मुक्त जिला बनाने अभियान चलाया जाएगा और बिंद्रा नवागढ़ में जल्द चौकी के स्थान पर थाना खोला जाएगा। देखिए 2009 में मैं पदस्थ था यहाँ पे और उसके बाद अभी 2022 में यहाँ पे आया हूँ, तो तब में और अब में काफी चेंजेस हुए हैं। पुलिस यहाँ पे काफी आगे तक पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि हम लोग फाइनल स्टेज में हैं और बिल्कुल गरियाबंद जो है इसमें अच्छे से ऑपरेशन अगर हम चलाएंगे तो निश्चित तौर पर गरियाबंद को नक्सल मुक्त किया जा सकता है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में एकदम अलर्ट रहना है और कोई भी परिस्थिति में चक्का जाम या बाकी के जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो संबंधित के ऊपर बहुत ही कठोर कार्रवाई करें, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। और खास करके पुलिस के ऊपर अगर कोई अपराध करता है, उनके ऊपर मारपीट वगैरह टाइप का कुछ करता है तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करें, तत्काल उनको गिरफ्तार करें, इसके निर्देश दिए गए हैं। साथ में थाना प्रभारियों को भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्राइम डिटेक्शन के ऊपर खासा फोकस रखें, जनता के साथ मधुर व्यवहार करें और कोई भी अवैध तरीके से जो भी होता है उसमें संलिप्तता उनकी ना रहे, अगर ऐसे होता है तो उनके ऊपर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई। गरियाबंद से संवाददाता फारूक मेमन की रिपोर्ट।